एनके एरिया के रोहिणी परियोजना में अमृत महोत्सव के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने वृक्षारोपण का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसी कड़ी में सीसीएल एनके एरिया के रोहिणी परियोजना के ओबी डंप को समतलीकरण कर 3000 वृक्षारोपण के लिए स्थल बनाया गया। इस दौरान एक आयोजन कर उक्त स्थान पर अमरूद, पीपल, बरगद, नीम आदि पौधे लगाए गए। मौके पर रोहिणी पीओ दिलीप कुमार सिंह, अंचलाधिकारी शिशुपाल आर्य, सीआईएसएफ कमांडेंट मांगा, विधायक प्रतिनिधि श्याम सिंह, ट्रेड यूनियन के विनय सिंह मानकी, डीपी सिंह, प्रेम कुमार शैलेश, कुमार मुखिया सुशीला देवी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनके महाप्रबंधक संजय कुमार व संचालन अशोक सिंह ने की। खबर 365 न्यूज के लिए खलारी से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। एनके एरिया के रोहिणी परियोजना में एनके एरिया के द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के इस समारोह में तमाम लोग उपस्थित हुए और इन्होंने फलदार वृक्ष का यहाँ पे वृक्षारोपण किया। हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि वृक्षारोपण हम हर साल करते हैं, जिस तरीके से इस कोविड महामारी में हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई है, उस हिसाब से एक बहुत ही सुंदर पहल है और ये पहल लगातार होते रहनी चाहिए। लेकिन इनका रख रखाव और इनको सही तरीके से देखभाल भी जरूरी है, जिस पर यहाँ के प्रबंधन ने काफ़ी बेहतर तरीके से आश्वस्त किया है कि आपको अगले साल ये सारे वृक्ष हम लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ के प्रबंधक का। और हम यकीन करते हैं कि वो अपनी बातों पे खरे उतरेंगे और निश्चित तौर पे इनके एरिया के लिए एक अच्छी सौगात है। ओपन अभियान पूरे कोल कंपनीज, जिसमें कि कोल इंडिया इन्वॉल्व है, साथ में दो और कंपनी है, सिंगरेनी कोलेरिस कंपनी और लिग्नाइट की कंपनी है, ये सभी कंपनी मिलकर 300 जगहों पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत आज की गई है। और शुरुआत हमारे कोयला मंत्रालय के कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और राज्य कोयला मंत्री दोनों के करकमलों से किया गया। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।